चंडीगढ़ मनाली एनएच पर जिला बिलासपुर के कल्लर नामक स्थान पर एक अज्ञात ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला। एल राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। एल प्राप्त जानकारी के अनुसार राहगीर सड़क किनारे चला हुआ था। तीव्र गति से अज्ञात ट्रक स्वारघाट की ओर जा रहा था कि उसने एनएच के किनारे चले हुए व्यक्ति को लापरवाही के चलते कुचल डाला। एल घटना के उपरांत आरोपी ट्रक चालक घटनास्थल पर रुकने की अपेक्षा ट्रक सहित स्वारघाट की ओर फरार हो गया। एल मृतक की शिनाख्त स्थानीय कल्लर गांव के 80 वर्षीय निवासी सुखराम पुत्र जूनू राम के रूप में हुई है। एल स्थानीय निवासियों ने घटना के संदर्भ में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना मिलने के उपरांत घटनास्थल पर पहुंच मामला दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेजा है। एल इस संदर्भ में दूरभाष पर पुलिस प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार ने दूरभाष पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया। घटना की उप निरीक्षक ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर बिलासपुर द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एल घटनास्थल पर से फरार हुए आरोपी ट्रक चालक को पकड़ने के प्रति सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद ली जाएगी। एल उन्होंने बताया वह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर गहराई से घटना का विवरण ले रहे हैं। हम मदन लाल ठाकुर, मैं कल्लर का स्थायी निवासी हूँ। आज 1:30 बजे के लगभग कल्लर के नियर पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो मृत हम ना और नाम उनका सुखराम, कल्लर के स्थायी निवासी, वो मौके पर एक्सीडेंट के दौरान वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई और भाग गए मौके से। मेरा नाम लेखराम ठाकुर है, मैं गांव चिल्ला का स्थायी निवासी हूँ। आज जो हादसा हुआ कल्लर में, ये मेरे ससुर थे, इनका नाम सुखराम जी थे। दिन में कोई 1:30 बजे के करीब ये कल्लर मार्केट से अपने घर की तरफ आ रहे थे, और जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो अपोजिट साइड से एक ट्रक जा रहा था, जिसकी चपेट में ये आ गए हैं और इनका फेस बुरी तरह से क्रश हो चुका है और इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। तो अभी पुलिस प्रशासन यहाँ से गया था, डीएसपी साहब मौके पर गए थे, उन्होंने मौके का मुआयना किया है और अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को